देखते रहिए UBN 0@छत्तीसगढ़। बालोद से रमेश चेलक की बड़ी खबर आ रही है। गुरूर ब्लॉक के ग्राम सुनाई डोंगरी आश्रम में विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का 7 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें बालोद जिले के अलावा कांकेर, भानु प्रतापपुर, चरामा, अन्य और जगहों से बच्चे आकर इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक व स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए यह शिविर का आयोजन रखा जाता है। यह शिविर श्री योग वेदांत सेवा समिति जिला बालोद के तत्वधान में आयोजित किया गया है, जिसमें भागवत साहू, युवराज साहू, लोकेश्वर देवदास, संजय देवांगन, वामन राजकुमार, भोला राम साहू, चमन लाल हिरवानी, जागेश्वर साहू, अशोक साहू आदि सेवाधारी उपस्थित रहे। देखते रहिए UBN 0@। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्वास्थ्य मेडिकल खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसमें हमने महसूस किया है अपने बालोद जिले में, फागुनदाहा में बाल संस्कार केंद्र चलता है और इस तरह के शिविर में बच्चे लगातार 4-5 सालों से आ रहे हैं, तो उनके जीवन में हमने देखा है कि पहले जो 60-65% लाते थे आज 90%+ उनका आना चालू हो गया है और काफ़ी जिला स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन लोग बच्चे ऊपर गए हैं। साइंस में भी उनका एक अलग ही परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सभी बच्चे ऐसे शिविरों का लाभ जरूर लें। और मेरा नाम डोमिंद देवराज है, मैं गुरूर गांव से आया हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि हाथ योग। मुझे इतना कुछ पहले पता नहीं था, पहले ये क्या है प्राणायाम, अभी मुझे अच्छा लगता है यहाँ आके। आप वो नहीं करेंगे, मैं पहले 8 बजे उठता था, बट जब से अभी ये बापूजी से मैं जब मिला हूँ तब से मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। अभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और मुझे यहाँ इसमें जुड़ने से बहुत लाभ हुआ है। मेरा नाम आदित्य है और मैं दिल्ली राजगढ़ से आया हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से अटेंड कर रहा हूँ ये कैंप विद्यार्थी विदेश निर्माण शिविर। तो इसमें हमें क्या सिखाया जाता है, जैसे आजकल विदेशी ताकतें हमारे देश को जैसे कब्जा करती हैं, कैसे जैसे पहले गुलाम बना था, आज हम कैसे उनके गुलाम। हरिओम, मेरा नाम त्रिष्ठा काश पटेल है, मैं ग्राम धनगांव से आया हूँ। मैं ये शिविर पिछले 2-3 साल से अटेंड कर रहा हूँ। मुझे आने के यहाँ इस शिविर में आने के बाद